हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रतलाम जिले के जावरा के दशहरा मैदान में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को जावरा पुलिस ने सुलझा कर हत्या करने वाले सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी 2 सगे भाई हैं, जिन्होंने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उक्त वारदात को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार और नगर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 10 अक्टूबर की रात को इकबालगंज दशहरा मैदान में एक युवक खून से लथपथ मिला था। उसे इलाज के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। युवक के शरीर पर चाकुओं के निशान थे। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की थी। मृतक की पहचान महेंद्र यादव के रूप में हुई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक करीब 1.5 माह पूर्व एक महिला की मौत हो गई थी। इस महिला की मौत के लिए महिला के भाई सूरज और शिवा मृतक महेंद्र यादव को जिम्मेदार मान रहे थे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए महेंद्र को मौत के घाट उतारने का निर्णय ले लिया था। इसके बाद वो महेंद्र को अकेले में होने का मौका देख रहे थे। घटना दिनांक को रात्रि में आरोपी सूरज और शिवा अपने साथियों के साथ दशहरा मैदान में शराब पी रहे थे, तभी उधर से महेंद्र यादव आता दिखा। आरोपी दोनों भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेंद्र को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। मारते हुए वो महेंद्र को दशहरा मैदान में ले गए, जहां चाकुओं से महेंद्र के गले और पेट पर वार किए और उसे हालत में छोड़कर भाग गए थे। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गए और अहमदाबाद चले गए, जिन्हें आज वापस लौटने पर रतलाम से गिरफ्तार किया गया। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। दिनांक 10 को एक बालगंज मैदान है थाना जावरा सिटी में, वहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति को मार के उसका शव वहाँ पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी और हमारे CSP साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा और उसको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया। हॉस्पिटल भिजवाने के बाद में चूंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो धारा 302 के अंतर्गत हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया। उसी समय से छोटे छोटे जो सूचनाएँ हमारे पास में आने लगी थी, जब ये सारी सूचनाएँ और इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, तो उन्होंने इसमें सारी टीम लगा दी। और टीम लगाने के बाद में जो प्राथमिक तौर पर हमारे पास में एक सूचना आई थी कि कोई एक मोहल्ला जहाँ का ये रहने वाला है, वहाँ के कोई 2-3 व्यक्ति फरार हैं और पूर्व में कोई घटना हुई थी जिसके संबंध में उन लोगों के मन में कहीं इस टाइप का रोष लोगों ने सुन रखा था। उनके परिजनों से पूछताछ की, पूछताछ पर कुछ चीज़ों का खुलासा हुआ। उसके बाद में फिर संबंधित आरोपियों को हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई, तो उसमें यह बात सामने आई है कि इनकी जो आरोपी हैं सूरज शिवा, इनकी जो बहन थी उसके साथ में मृतक पूर्व से जुड़ा रहा था और उसके कुछ समय पूर्व प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को लेकर इनके मन में उसको मारने का प्लान काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसको उन्होंने उस दिन अंजाम दिया है। इसमें मुख्य रूप से 4 आरोपी हैं, सूरज शिवा नरेंद्र और रोहित, और इनकी मदद करने में दिलीप जो इनका मामा है, उसने इनको भागने में और बाकी चीज़ों में साक्ष्य छुपाने में मदद की थी। इस प्रकार से 5 लोगों को आरोपी बनाया है और आगे इनकी PR लेकर साक्ष्य और एकत्रित कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, हथियार क्या यूज़ किया गया है? हथियार इसमें चाकू यूज़ किया गया है। अवैध संबंध वाला कोई मामला है? नहीं, इसमें संबंधों के इसमें चर्चा हम लोग कर रहे हैं और आगे जो भी साक्ष्य हमारे आएंगे डिटेल, उस आधार पर भी बता पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।